हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम अपूर्व और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, ऑटो पैशन इंडिया। आज मैं आया हूँ मारुति के शोरूम और मैं दिखाने जा रहा हूँ आज फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल सिग्मा वेरिएंट 1.2 लीटर में। काफ़ी डिमांड में है ये मॉडल। बेस वेरिएंट लेने का फ़ायदा ये होता है कि आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस ओपन रहते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और आपको गाड़ी दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये है फ्रॉन्क्स मारुति सुजुकी, सिल्वर कलर में है। ये सिग्मा वेरिएंट है 1.2 लीटर का। चलिए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। सबसे पहले गाड़ी के एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। आगे से काफ़ी बोल्ड लुक मिलता है इसमें। इसमें सुजुकी का लोगो आप देख सकते हैं क्रोम फिनिश में। यहाँ पे चंकी क्रोम में क्लैडिंग दी हुई है फ्रंट में। ये आपको मैट ब्लैक फिनिश में ग्रेडिएटर ग्रिल दिया हुआ है। बॉडी कलर बम्पर मिल जाता है आपको, सेम बॉडी कलर में सिल्वर और सिल्वर कलर का बम्पर। नीचे भी आपको मैट ब्लैक की फिनिश दी गई है। फ्रंट में आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट दी है। लाइसेंस नंबर प्लेट लगाने के लिए जगह मिलती है। ये इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आप देख सकते हो, कोई फॉग लैम्प इसमें नहीं मिलता। यहाँ पे भी छोटा सा काम किया गया है मैट ब्लैक फिनिश में। यहाँ पे आपका इंडिकेटर है और पार्किंग लाइट्स है। कोई भी DRL इसमें नहीं आता। फ्रंट से लुक देखिए, बिल्कुल आपको ग्रैंड विटारा की याद दिला रहा होगा। इसका टॉप वर्जन अल्फ़ा मैं कवर कर चुका हूँ, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। साइड में अलॉयज देख लेते हैं। इसमें स्टील रिम मिलता है आपको, गुडियर के टायर हैं और टायर साइज इसमें 195/60 R16 है। ये मैट ब्लैक में आप क्लैडिंग देख सकते हैं, गाड़ी के चारों तरफ जाती है। इसको थोड़ा SUV-ish लुक देने के लिए गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm है। इसमें ब्लैक्ड आउट आपको ORVM मिलते हैं मैट ब्लैक फिनिश में। यहाँ पे आपको सारे डोर हैंडल्स भी आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलेंगे क्योंकि ये बेस वेरियंट है। ऊपर देख लेते हैं, मैट ब्लैक में आपको रूफ रेल्स मिल जाती हैं और बॉडी कलर आपको एंटीना शार्क फिन। पीछे आपको स्पॉइलर भी मिल जाता है बॉडी कलर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, डिफॉगर, सुजुकी का लोगो, नेक्सा। पीछे की प्रोफाइल कुछ इस तरह है। यहाँ पे फ्रॉन्क्स का आपको बैजिंग मिल जाता है। ये LED में आपके टेल लाइट्स हैं, रिवर्स पार्किंग लाइट और इंडिकेटर। नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है बॉडी कलर बम्पर में। यहाँ पर आप पार्किंग सेंसर्स देख सकते हैं, 2, 3 और 4। इस तरफ भी रिफ्लेक्टर है। नीचे आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट मिल जाती है, काफ़ी अच्छा लुक देती है बैक साइड से। ये यहाँ पे छोटा सा काम किया गया है थोड़ा स्पोर्टी लुक देने के लिए मैट ब्लैक फिनिश में। ये लाइसेंस नंबर प्लेट लगाने की जगह, कोई रिवर्स कैमरा इसमें नहीं मिलता। चले इसका बूट ओपन करते हैं। 308 लीटर का इसका बूट स्पेस है, आप देख सकते हैं डिसेंट साइज़ है। सेकेंड रो को आप 60-40 में स्प्लिट कर सकते हैं। 3 हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं सेकेंड रो में और 3 पॉइंट आपको सीट बेल्ट मिल जाती है। चलिए स्पीयर व्हील देख लेते हैं। ये आपका पूरा टूल किट रखा गया है। गाड़ी अभी अभी आई है शोरूम में। ये भी गुडियर का टायर है और टायर साइज है 195/60 R16, सेम टायर साइज दिया गया है। ये बॉक्स भी इसके साथ आता है, एसेसरी होगी थोड़ी बहुत इसमें गाड़ी की। ऊपर से अच्छे से कवर किया गया है। चलिए ये ग्रैब हैंडल से इसको क्लोज कर देते हैं। इस साइड की भी प्रोफाइल बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। रेयर डोर देखते हैं, डोर ट्रिम आप देख सकते हो ब्लैक और आई थिंक ये ब्राउन है, डार्क ब्राउन। ये सॉफ्ट टच मटेरियल में दिया गया है। ये आपको ब्लैक में लीवर मिलते हैं और ब्लैक में ही आपको यहाँ पे पावर विंडो का बटन। स्पीकर की जगह दी गई है लेकिन खाली है, कोई भी इसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं आता, ना स्पीकर्स ना टच स्क्रीन। डोर का ट्रिम काफ़ी अच्छा लग रहा है, सेम ट्रिम आपको अंदर की अपहोल्स्ट्री मिल जाती है, फैब्रिक में मिलती है। कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलता इसमें। ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं 3 आपको, रेयर दोनों डोर के ऊपर और फ्रंट पैसेंजर डोर के ऊपर। चलिए बैठ के आपको स्पेस दिखाता हूँ। आगे की जो सीट है मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट है।
आप देख सकते हैं इनफ मेरे को नी रूम मिल रहा है और नीचे फुट रूम मिल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा मुझे कम लगता था, मैंने आपको इसके पहले भी बताया है, अल्फ़ा वेरिएंट में सेम प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे भी फेस हो रही है कि अगर 6 फुट का बंदा बैठेगा तो इशू हो सकते हैं उसको अंडर थाई सपोर्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी रेयर एसी वेंट नहीं है, टॉप मॉडल में मिल जाता है। यहाँ पे आप थोड़ा सा स्टोरेज एरिया मिल जाता है, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, कोई भी USB और टाइप सी नहीं दिया गया है। नीचे भी थोड़ी सी स्पेस है कुछ सामान रखने के लिए। इधर का आप स्पेस देख लो, आराम से 3 लोग बैठ जाएंगे बिना कोई प्रॉब्लम के। बीच में छोटा सा हम्प है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप देख लीजिए लेफ्ट साइड का और राइट साइड का स्पेस। आइसोफिक्स का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। आप रेयर से एक बार फ्रंट का लुक देख लीजिए, डैशबोर्ड का बिल्कुल बेसिक है, कोई भी आपको म्यूजिक सिस्टम इसमें नहीं मिलता, लेकिन ऑटो एसी आपको स्टैंडर्ड मिलता है बेस वेरिएंट से। ये बीच में आपको रीडिंग लैंप मिल जाता है, फ्रंट में कोई रीडिंग लैंप नहीं है। इधर का भी आप स्पेस देख लो, सीट इधर वाली काफ़ी पीछे है, उसके बावजूद मेरे पास अच्छा खासा नी रूम है और फुट रूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इस तरफ का डोर ट्रिम देख लेते हैं, एग्जैक्टली सेम ब्लैक और ब्राउन में, ब्लैक आपका हार्ड प्लास्टिक है और ब्राउन वाला आपका सॉफ्ट टच मटेरियल। चलिए इसको क्लोज कर देते हैं। फ्रंट पैसेंजर का डोर देख लेते हैं, बिल्कुल सेम डोर ट्रिम है जैसे पीछे के दोनों थे। यहाँ पे एड ऑन में एक डार्क ग्रे कलर का यहाँ पे इंसर्ट है, सेम इंसर्ट आपको यहाँ फ्रंट में डैशबोर्ड पे भी मिल जाता है और कोई फर्क नहीं है डोर में। हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते आप पैसेंजर साइड की मैनुअल, आई थिंक ड्राइवर साइड भी नहीं दी होगी। सेम अपोल्स्ट्री है ब्लैक में स्टिचिंग के साथ। डैशबोर्ड देख लेते हैं, 3-4 कलर का इस्तेमाल किया गया है, ब्लैक में हार्ड प्लास्टिक है और फिर प्लास्टिक आपका सिल्वर में यूज़ किया गया है। फिर ये मैट फिनिश दिया गया है ग्रे में, थोड़ा सा स्पार्कल्स हैं इस पर, जब सनलाइट पड़ती है तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये आप एसी वेंट देख सकते हैं, इसके चारों तरफ थोड़ा सा कार्बन फिनिश टच देने की कोशिश की गई है और नीचे भी आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है। ये आपका ब्राउन हो गया, या आप इसको वाइन कलर भी कह सकते हो। यहाँ पे स्टोरेज एरिया देख लीजिए, 1 लीटर के 2 बॉटल्स इजिली आ जाएंगे, ना ही ये कूल्ड वन है ना ही एल्यूमिनेटेड। इधर से सेंटर कंसोल देख लीजिए, यहाँ पे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं डुअल डिन या सिंगल डिन का म्यूजिक सिस्टम लगा के। नीचे हैजार्ड लाइट और ये आपके एसी वेंट्स, एक इधर हो गया, 2 इधर हो गए और चौथा उधर। ऑटो एसी आप देख सकते हो, ये काफ़ी अच्छी बात है कि बेस से ही आपको ऑटो एसी मिल जाता है। नीचे आप 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट देख सकते हो, इधर कोई भी पॉइंट नहीं दिया गया। हाई एंड पे यहाँ पे आपको आई थिंक USB मिल जाता है, छोटा सा स्टोरेज है यहाँ पे, 2 कप होल्डर्स है। ये 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है प्लस 1 रिवर्स, इसमें 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक आता है। ये आपका हैंड ब्रेक, यहाँ पे भी छोटा सा कुछ रख सकते हो, लेकिन ये सेफ़ नहीं होगा क्योंकि जब गाड़ी चलेगी तो काफ़ी सामान इधर उधर गिरने का प्रॉब्लम रहेगा। इस साइड का सनशेड देख लेते हैं, कुछ भी नहीं है, ना मिरर ना टिकट होल्डर। ये मैनुअल IRVM आपको मिल जाता है इसमें। इस साइड का सनशेड में भी कुछ भी नहीं दिया है, ना टिकट होल्डर ना मिरर। चलिए ड्राइवर एंड पे चलते हैं। यहाँ आपको की लगाने की एक स्पेस मिल जाती है, कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता। इस तरफ का आप देख लीजिए डोर ट्रिम बिल्कुल सेम ब्लैक और वाइन कलर में। यहाँ पे चारों पावर विंडो का किल स्विच, लॉक अनलॉक, ब्लैक में आपको लीवर ओपन करने के लिए, 1 लीटर का बॉटल होल्डर और कोई स्पीकर नहीं दिया गया है, सिर्फ स्पेस दी गई है। यहाँ पे भी वाइन कलर मिलता है। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, आइडल को ऑन ऑफ कर सकते हैं, हेडलाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। सेम आपको ग्रे कलर यहाँ मिलेगा, मैट ग्रे, काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं सनलाइट में काफ़ी स्पार्कल्स हैं और कार्बन फिनिश मिलती है इसकी चारों तरफ। इधर आप देख सकते हैं हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते आप ड्राइवर एंड को, सिर्फ आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। यहाँ आपको की इंसर्ट करनी पड़ेगी इग्निशन ऑन करने के लिए। एक बार आपको की दिखा देता हूँ, ये की देख लीजिए, बिल्कुल जैसे पहले आती थी मारुति में वैसी कीज़ हैं। लॉक अनलॉक का बटन और पीछे मारुति का लोगो, 2 की मिलती हैं।
कीलेस एंट्री नहीं है, ना ही कोई स्मार्ट की। आप देख सकते हैं इसका स्टीयरिंग व्हील टिल्ट की तरह आप एडजस्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक नहीं है। चलिए इसको लॉक कर देते हैं। तब भी कंपनी ने डी कट दिया है, यहाँ पे कोई भी आपको कंट्रोल्स नहीं दिए हैं स्टीयरिंग पे, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। एक बार इग्निशन ऑन करके इसका शीशा डाउन कर लेते हैं, काफ़ी गर्मी हो रही है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लीजिए, आई थिंक इसमें चिप नहीं लगी है इसलिए मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन काफ़ी बेसिक है। बीच में छोटा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है, इधर आपको आरपीएम मीटर मिल जाता है, इधर स्पीडोमीटर मिल जाता है। यहाँ से आप सारा कंट्रोल कर सकते हो अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का, यहाँ से ट्रिप सेट कर सकते हो इस तरफ वाले से, और इधर से जो सेंटर में आपको इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले दिया है उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। बीच में मारुति सुजुकी का लोगो मिलता है, यहाँ पे भी क्रोम फिनिश दी गई है, और यहाँ पे हॉर्न सेक्शन है। पकड़ने में डिसेंट लग रहा है, थोड़ा और मोटा होता तो काफ़ी अच्छा लगता। और कुछ दिया नहीं है यहाँ पे, सेंटर कंसोल में पूरा आपको बता चुका हूँ। चलिए एक बार इसका आपको हुड खोल के दिखा देता हूँ, शीशे बंद कर देते हैं। यहाँ नीचे आप तीन पेडल देख सकते हो, क्लच ब्रेक एंड एक्सेलेटर। लेफ्ट साइड में आपको एक डेड पेडल मिल जाता है, यहाँ पे इंजन वे खोलने के लिए लीवर दिया गया है और फ्यूल लिड खोलने के लिए। फ्रंट में आप दो वाइपर और वॉशर देख सकते हैं। इंसुलेशन आप देख सकते हो, फिर 1.2 लीटर का इंजन है, थोड़ा सा गंदा हो चुका है, गाड़ी अभी वॉशिंग पे नहीं गई है। इसका मैक्सिमम पावर 90 पीएस है, और मैक्सिमम जो इसका टॉर्क है 113 न्यूटन मीटर का है। इसमें 1 लीटर का बूस्टर इंजन भी आता है। चलिए हुड बंद कर देते हैं। गाड़ी काफ़ी अच्छी है, वैल्यू फॉर मनी इसको आप कह सकते हो, क्योंकि इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करते हो। इंजन आपको वही मिल जाता है, एवरेज वही मिलेगा आपको, और मारुति सुजुकी का आपको अच्छा सर्विस नेटवर्क मिल जाएगा। इसमें टू एयर बैग्स आते हैं, एक बार आपको दिखा देता हूँ। एक ड्राइवर साइड मिल जाता है यहाँ पे, आप देख सकते हो, और एक आपको पैसेंजर एंड पे मिल जाता है। ये भी स्टैंडर्ड है बेस वर्जन से। मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के डायमेंशन की बात करूं तो इसकी लेंथ है 3995 mm की, इसका विड्थ है 1765 mm का, इसकी हाइट है 1550 mm की, इसका व्हील बेस है 2520 mm का, और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मैं आपको बता चुका हूं 190 mm की है। फ्यूल टैंक भी बता चुका हूं 37 लीटर्स का है, और बूट स्पेस 308 लीटर का। रेयर सीट आपकी 60-40 में स्प्लिट हो जाती है। इस पर्टिकुलर सिग्मा मॉडल के एक शोरूम प्राइस की बात करूं तो 7,46,500 रुपीज़ है, और ऑन रोड प्राइस इस गाड़ी का लखनऊ में 8,45,293 रुपीज़। मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के प्राइसेस एक शोरूम शुरू हो जाते हैं 7,46,500 रुपीज़ से, और जाते हैं 13,13,500 रुपीज़ तक। इसमें दो ट्रांसमिशन आते हैं, 5-speed मैनुअल और 6-speed ऑटोमेटिक। 1 लीटर का जो टर्बो इंजन है वो 100 पीएस की पावर देता है, और मैक्सिमम टॉर्क 147.6 न्यूटन मीटर का है। मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के सिग्मा वेरिएंट को खरीदने का सबसे मेन रीज़न तो ये है, आप इस गाड़ी को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा सकते हो, अपने हिसाब से इसमें म्यूज़िक सिस्टम लगवा सकते हैं, अपने मनपसंद आप इसमें अलॉय व्हील्स लगवा सकते हैं, और जो भी आपको फीचर्स चाहिए जो टॉप मॉडल मिलते हैं, कैमरा आप इसमें लगवा सकते हैं, ये सब आपको कंपनी फिटेड मिल जाएगा। अगर आप कंपनी से ही कोलैबोरेट कर लेते हैं तो एग्जैक्टली जो आपको टॉप मॉडल्स में मिलती है सेम उसी क्वालिटी की चीज़ें आपको मिल जाती हैं, और इस प्राइस पॉइंट पे इतने एग्रेसिव लुक जो आपको सीधे ग्रैंड विटारा से ये गाड़ी उठाती है और साइड लुक अपना बेलेनो से शेयर करती है, आप देख सकते हो। ये किसी भी और
गाड़ी में आपको नहीं मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस इसका काफ़ी अच्छा है, 190 mm का। एक बिल्कुल क्रॉसओवर की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसका डायरेक्ट कंपटीशन इस समय मार्केट में मुझे कोई भी नहीं दिखाई देता। तो दोस्तों, आज की गाड़ी आपको कैसी लगी, ये बेस वर्जन फ्रॉन्क्स का, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए मेरे वीडियो को, ताकि मैं और भी अच्छी गाड़ियाँ आपके लिए ला सकूँ। और आज के वीडियो के लिए मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूँ मेगा मोटर्स को लखनऊ में, जो आपका गोल मार्केट के पास में है। डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर और आपको यहाँ का एड्रेस भी शेयर कर दूँगा। तो डेफिनेटली आइए, विज़िट करिए, आने से पहले एक बार कॉल ज़रूर करिएगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय, टेक केयर।